सर, कृष्णा और एमएलए के बीच कंट्रोवर्सी चल रही है, आप किसकी तरफ है सर? जी देखिए, मैं तो किसी की तरफ नहीं हूँ, मैं ऐसा किसी का नाम नहीं लूंगा। देखिए कृष्णा जो है उनकी भी रैपिंग हमने कुछ थोड़ी बहुत सुनी है, मैंने कोई बहुत ज्यादा तो उनको नहीं सुना हुआ है पहले अगर बात करें तो। लेकिन इस फिल्म में उन्होंने जस्ट मतलब इस जो गाना उन्होंने आया है उनका जो यूट्यूब पर उन्होंने रिलीज किया है, डिस बोल रहा है उसको, डिस्ट्रैक्ट बोल रहा है, तो वो जिस तरह से रिलीज किया गया, जिस तरह के शब्द इस्तेमाल किया गया, जिस तरह के लिरिक्स यूज किया गया, लिरिक्स तो मैं बोलूंगा ही नहीं है पहली बात, तो इनको लिरिक्स नहीं कहा जाता। ये जो इस तरह के वर्ड्स यूज कर रहा है ये लोग, ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, बिल्कुल भी ठीक नहीं है ये चीज़ें। मतलब आप इस तरह की मतलब गंदी भाषाओं का आप इस्तेमाल नहीं कर सकते, तो किसी की माँ बहन के बारे में बोलना, किसी गर्लफ्रेंड के बारे में बोलना, ये कहाँ से ठीक है, बिल्कुल भी ठीक नहीं। और इसका मतलब ये नहीं कि मैं सिर्फ कृष्णा को ही कह रहा, साथ में एमी वे के लिए भी कह रहा हूँ कि एमी वे भी जिस तरह की बातें कर रहा है रिप्लाई में, वो उन्होंने तो वो और ही लेवल बढ़ा दिया। पहले तो इन्होंने थोड़ी बहुत गाली गलौज करी, वो सब करा, गलत ये भी है, गलत दोनों ही है समझिए आप, लेकिन उन्होंने थोड़ी बहुत, उन्होंने उससे भी ज़्यादा गाली गलौज करी। अब ये दोबारा उसका डिस्ट्रैक्ट बनाएंगे, उससे ज़्यादा गाली गलौज करें, ये क्या है? मतलब हम ये किस सोसाइटी में जा रहे हैं भाई, हमें कहाँ जा रहे हैं, ये क्या चल रहा है? मतलब अगर सोशल मीडिया पर इस चीज़ को लेकर लगाम नहीं है, आप गाली गलौज कर सकते हो, ऐसे वीडियोज़ आप डाल सकते हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप इस तरह की नीच हरकतें करो भाई। आप एक गाना बना रहे हो, आपका फैन बेस है, आप एक पब्लिक फिगर हो, पब्लिक फिगर क्यों कहा जाता है एक्टर्स को, इनको, इन कम्युनिटी के जो लोग होते हैं इनको पब्लिक फिगर क्यों कहा जाता है? क्योंकि आप पब्लिक के पब्लिक फिगर हो, मतलब आपसे लोग इन्फ्लुएंस हो रहे हैं। तो आप अगर ऐसी गाली गलौज करोगे, आप ऐसे शब्द यूज करोगे, तो आपके फैंस क्या सीखेंगे आपको देख के? वो भी यही करेंगे ना, वो तेरी माँ की, तेरी बहन की ऐसे शब्द यूज कर रहे हैं, वो ऐसे गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं अपने गानों के जरिए। ये क्या गाने हैं ये कोई? मुझे लगता है कि इन दोनों के ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए, इन दोनों के ऊपर करना चाहिए। मैं समझता हूँ महिला आयोग को भी बाहर आना चाहिए और कुछ तो अपनी तरफ से इनको भी कहना चाहिए, और इन दोनों के इन गानों को भी बैन कीजिए, इन दोनों के गाने वीडियो डिलीट करो, इन दोनों के ऊपर FIR होनी चाहिए, दोनों के ऊपर बराबर एक्शन लेने की जरूरत है। किसी एक की इसमें कोई गलती नहीं है, देखिए इस व्यक्ति ने भी गलत किया है, कृष्णा ने भी, और एमीवे बंताई ने भी गलती किया। देखिए आप पहले भी अगर देखें तो एमीवे बंताई और ये जो रफ्तार, इन दोनों के हमने कॉन्ट्रोवर्सी काफ़ी देखी थी, एक दूसरे को डिस्ट्रैक्ट करते लगातार, कितने टाइम तक गाने आए थे सब कुछ, लेकिन लोगों ने वैसे गंदी भाषा यूज़ नहीं करी थी। देखिए एक दूसरे को इंडिविजुअली आप बोल सकते हो, उन्होंने इंडिविजुअली बोला था, यहाँ क्या कर रहे हो कि आप उनके फैमिली को बोल रहे हो, उनकी माँ बहन गर्लफ्रेंड ऐसी बातें करो भाई। आप एक दूसरे से आपको प्रॉब्लम है, एक दूसरे को आप डिस्ट्रैक्ट करो या चलने के लिए कॉन्ट्रोवर्सी क्रिएट करो, समझ में आ रहा है, लेकिन आप एक दूसरे से इंडिविजुअली बात करिए, इंडिविजुअली एक दूसरे को गाली भी दे रहे हो तो एक घड़ी झेल सकते हो आप, लेकिन ये क्या है कि आप किसी की माँ बहन को कह रहे हो, ये मैं बिल्कुल भी ठीक नहीं समझता और ये बिल्कुल भी एक्सेप्टेबल नहीं है, ये मतलब गलत है, मतलब गलत है। आप किसी भी इस तरह से किसी भी महिला को नहीं कह सकते हो, भले वो आपका कोई भी हो, तो ये बिल्कुल पूरी तरीके से गलत है। इसमें कृष्णा भी गलत है और एमीवे बंटाई दोनों ही गलत है, और बहुत ही ज़्यादा गंदी शब्दों का यूज़ करते हुए दिख रहे हैं। इनको किसी भी तरह से गाने तो नहीं कहा जा सकते, गाने तो कहीं से भी नहीं है, बहुत ही घटिया चीज़ है। मैं समझता हूँ दोनों के खिलाफ FIR करके स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की ज़रूरत है।